बन की चुनरिया रंग दे रे। तन तरंग दे मन उमंग दे आदि रंग दे रे। ये जीवन की चुनरिया जीवन की चुनरिया रंग दे रे। आप जानते हैं कि मैं कई वर्षों से अपनी कलाकृतियों से अपनी तस्वीरों से लोगों को आनंद देने की कोशिश कर रहा हूं। दरमियान में एक दौर गुजरा, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि आपकी सेवा करने की मेरी इच्छा मेरी तमन्ना शायद मुझे छोड़नी पड़े। मेरे पिछले चित्र दो आंखें बारह हाथ के आखिरी दृश्य में बैल से लड़ते वक्त मेरी आंख को जबरदस्त धक्का लगा और उससे यह डर पैदा हुआ कि मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी हमेशा के लिए। आप ये कहेंगे कि मैं मेरा अपना दुख आप सबको क्यों बताने लगा। मैं जानता हूं कि दुख और सुख ऐसे हैं जिन्हें दूसरों को जितना बताएं जितना बांटें ये उतने ही बढ़ते हैं। मैं यहां जो आया हूं अपना दुख बांटने के लिए नहीं, बल्कि मुझे उस दुख में जो सुख का अनुभव हुआ वो बांटने के लिए। वैसे तो अब मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, लेकिन उस समय जब आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे बैठना पड़ा तब मुझे मनुष्य जीवन की और नई अनुभूति हुई। जिंदगी के और नए नए रंग दिखाई दिए, वो रंग हजारों लाखों थे। उनमें से जीवन के कुछ रंग आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछली सदी में जब ब्रिटिश फौजें हिंदुस्तान का कोना कोना इंग्लैंड के रानी के हुकूमत के नीचे लाने के लिए जुटी हुई थी और जब विदेशियों की तहजीब हिंदुस्तानियों के जीवन में प्रवेश करने लगी थी,
आज गवर्नर साहब के बंगले पर डिनर पार्टी है, ब्रेड सप्लाई करने का ये ऑर्डर है। साहब बहादुर, साहब बहादुर, गवे यो भिखारी। भिखारी, भिखारी नहीं हूँ साहब, नजर बनी रहे आपकी। तब कौन तुम, राजा नवाब? मैं राजा और नवाबों की निशानी हूँ, मैं लोक कवि हूँ, शायर हूँ। घर में मेरी बूढ़ी बीवी बहुत बीमार है, मुझसे कोई गीत सुन लीजिए और मुझे कुछ इनाम दे दीजिए। इनाम चाहिए? लो इनाम। राजा नवाबों की कहानियां सुनाने वाले इसी तरह माटी में मिला दिए जाएंगे। लेकिन ये माटी तो रहेगी। हाँ, सिर्फ वही रहेगी। अब रानी का राज आया है, अंग्रेज रानी का। न राजा रहेगा न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। न जब एक भी जिंदगानी रहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी, तो माटी सभी की कहानी कहेगी। दिखाएगी राणा के रण की निशानी, कहेगी शिवाजी के प्रण की कहानी। बताएगी मुगलों की बातें अजानी, उस गद्दार जयचंद की जिंदगानी। ये आपस की सब बदगुमानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। जो थे देश दुश्मन गुलामी के राही, लगे फेरने इस वतन पर सियाही। विदेशों की करने लगे वाह वाही, गया देश हाथों से आई तबाही। ये भर भर के आंखों में पानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। फिर स्वातंत्र का ऐसा संग्राम आया कि हर आदमी देश के काम आया। लड़ी वीर झांसी की रानी भवानी, हजारों ने लाखों ने जौहर जला, ये कुर्बानियां खुद जुबानी कहेगी। ये माटी सभी की कहानी कहेगी। स्वतंत्र का संग्राम नहीं, वो बगावत थी, म्यूटिनी, यही इतिहास कहता है। इतिहास जला दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहाँ जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जुलम वो तुम्हारे, सितम वो तुम्हारे, करो याद उपकारनामे वो कारे। कि पत्थर से आंसू की धारा बहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। ये माटी है तब से ना जब तुम थे आए, ये माटी रहेगी ना जब तुम रहोगे। इस माटी के नीचे दबी है कथाएं, जो खुद ही कहेगी रे तुम क्या कहोगे। जमीन आसमां थर थरा के रहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी, ये माटी सभी की कहानी कहेगी। Hey, get away, दफा हो जाओ।
शुक्रिया। कौन? नौरंग जी, इधर कहां से? छावनी में गीत सुनाने गया था। छावनी में किसे? फिरंगियों को, अंग्रेजों को? जब हिंदुस्तानियों ने कान बंद कर लिए तो अब जो सुने वही सही। ये हाथ में क्या है? ये हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी राज की भेंट। फिरंगियों के हाथ की रोटी खाएंगे आप? अब तो नवरंग को जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। राजा गए, नवाब गए, ठाकुर गए, रसिक गए, अब ये नवरंग रह गया और उसकी भूख रह गई। क्या हालत हो गई है बेचारे की इस बुढ़ापे में। इसी नौरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी। इसी नौरंग ने अपनी जवानी में ठकुरायत में धूम मचा रखी थी। जवानी किसी जुल्मी से नैना लड़े, हो किसी जुल्मी से नैना लड़े, हो तिरछी नजरियों से झांका मुझे तो मेरे सीने में तिरछे गड़े, हो किसी जुल्मी से नैना लड़े। उमा, उमा बेटी। आई चाचा, आ रही हूँ। ये रही दरवाजे के पीछे, कुछ दोगे बद्दा? हम क्या देंगे बेटी, गढ़ी से जोड़ा मिला है, ठकुराइन ने दिया है, तीज त्योहार के दिन बहू के पहनने के काम आएगा। बढ़िया जोड़ा तो है। है कैसा जगमग है ये, और ये सितारों से जड़ा, फूल से खिल उठेगी भाभी। दे दे उसे, दे दे, खुश हो जाएगी। देख तेरे लिए दद्दा कैसा अच्छा जोड़ा लाए हैं, है ना? हाँ, इस त्योहार के दिन पहनना, अभी संभाल कर भैया के कमरे में रख दे। बेटी, दिवाकर कहाँ है? अभी तक आया नहीं। वो तो घर में रहता ही नहीं कमबख्त। मुझे अभी घड़ी पर जाना है। अभी? फिर कोई वक्त तो हो आने जाने का? बेटी, वक्त देखा करते हैं अपना। ठकुरायत की नौकरी जो ठहरी, हम कारबारी, फिर वक्त क्या और बेवक्त क्या। भगवान भला करे ठाकुर करण सिंह का, उन्होंने हमें पनाह दे दी मजबूरी के दिनों में। ये क्या, दादाजी हैं घर में, ननद जी हैं घर में? तो क्या हुआ, पति पत्नी तो हैं हम दोनों। ये जोड़ा तो बहुत सुंदर है। रुपहला, ये रुपहला लिबास तेरे सुनहरे रूप पर ऐसा लगेगा जैसे सोने की थाली में सितारों का रास रचाओ। जरा पहन लो, इतना तो देख ही लूं कि चंपा के बन में पूनम बरसे तो इस दिल पर क्या बीतती है। पहनो। देख जमुना, मेरी जलती उबलती उमंगों को बेकदरी की राख से न बुझा। ये रुपहला जोड़ा पहन के मेरे सामने खड़ी हो जा, फिर मुझे देखते देखते दो तीन पल खा जा, फिर मेरी तरफ कनखियों से निहार और फिर मुस्कुरा कर अचानक शर्मा जा। मुझे नहीं अच्छी लगती है ऐसी बातें। आहा, तेरा गुस्सा भी कितना प्यारा है, जी चाहता इसे पी जाऊं। ए, गुस्सा कर, लेकिन ये जोड़ा पहन कर। तुझे इस रुपहले श्रृंगार में देखने के लिए मेरी आंखें प्यासी हैं। आ मेरे पास आ। छोड़ो ये वाहियात बातें। वाहियात बातें?
घर की औरतें पति के सामने श्रृंगार करने को वाहियात बातें समझें, तो वो अपना दिल कहां बहलाए? मुझसे क्या पूछते हो? घरों से इसी तरह झिड़के हुए नामुरादों की भीड़ हुस्न के बाजार में भटकती फिरती है, इसीलिए निराश घरदार अपनी भूख मिटाने के लिए बदनाम जोड़ियों पर तीरस समझकर फूल चढ़ाते हैं। तुम्हें चढ़ाने हो तो तुम भी जाओ चढ़ाओ। ये किसकी आवाज? आपकी तबीयत तो ठीक है बंदा नवाज? अरे न पूछ तबीयत बजा का राज, जो देखता हूँ दिखाई नहीं देता, जो सोचता हूँ समझ में नहीं आता। लेकिन होने वाले तमाशे में शौकीन देखेंगे कि रंगबाज मौजूद है मगर उसका रंग गायब है, साज मौजूद है मगर उसमें आवाज नहीं, दरिया मौजूद है मगर उसमें आग नहीं। क्या ये मतलब कि लीलू मौजूद है लेकिन उसमें सुरबाजी की ताब नहीं? वाह 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 कविराज, कितने अच्छे मौके पे आप आ गए। अब बैठो बैठो। अरे लाओ तकिया लाओ, गदेला लाओ बैठने के लिए गधों। क्या हाल है कविराज? बात यह है कविराज कि सदर बाजार में तमाशा होने वाला है और वक्त बहुत करीब आ गया है और इस खोपड़ी का मसाला ही खत्म हो गया। कविराज आपने कहा था ना कि वो गाना लिख कर लाएंगे, आप लाए? अरे वो तो मैं भूल ही गया। घबराओ नहीं, वो गाना मैंने घर में लिख कर रखा है। हाँ बस सुबह होते ही तुम्हारे हाथ में ला कर दे दूँगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहू कहाँ है? वो भी सो गई होगी? नहीं दद्दा, अभी तो यही थी भाभी। भाभी भाभी भैया सो रहा है ना? हाँ देखो बहू, दिवाकर जागे तो उसे कह देना कि अपने हाथ से अच्छे अच्छे अक्षरों में कुछ लिख कर रखे और सुबह मुझे दे दे। ठाकुर साहब के प्रधान जी, उनके दफ्तर में एक नौकरी का पता चला है। वो नहीं जाएगा किसी के सामने गिड़गिड़ाने, मैं ही जाऊंगा और देखूंगा। अगर ये नौकरी मिल गई तो बड़ा सहारा हो जाएगा इस बुढ़ापे में। आ दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, आजा गले लगा ले, ओ रसिया मन बसिया, दिल मिला ले दिल मिला ले। जमुना, रात के झीने झीने झिल मिलाते हुए आंचल से रुपहला अभी चढ़ रहा है। आ बाहर आ, जीवन की कुछ घड़ियां इस स्वर्ग में बैठ कर बिता ले। आना। वाह, ये भी कोई वक्त है बाहर जाकर बैठने का? अभी से क्यों आ गई? सुबह होती तो आती। नादान जमुना, तुझे मालूम नहीं तेरे रूप में क्या मोहिनी समाई हुई है। अपने सुनहरे तन पर ये रुपहला जोड़ा सजाकर तारों के मंडवे में मेरे पास बैठती तो क्या होता? हवा कितनी ठंडी है, समय कितना सुहाना है। जमुना आ। जमुना तू मेरे लिए मोहिनी हो जा, ये जोड़ा पहन।
अपना नाजुक सा तन रुपेले पैरन की ओर से झलकने दे, मैं अपने आंखों की प्यास बुझाऊं। मेरी तरफ घूम, सामने से देखने दे मुझे, सरा मुस्कुरा दे, गर्दन झुका। मोहिनी, आज हम और तुम दोनों मिलकर रसराज की रंग भरी सुराई में तूफान उठा दें, इससे इतना रस छलक पड़े कि उस जमाने की प्यास बुझ जाए जिसमें हम और तुम जी रहे। हाँ रचो जितने गीत रचना चाहते हो, जब तक रचते रहोगे मैं उन्हें सुर में गूंथ कर नाचती रहूंगी। देखें पहले शब्द थकते हैं या भाव। कारी 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 अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम रमक झुम झुम चमक छुम छुम। कारी 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 अंधियारी की रात, एक दिन के बाद जब सघन गगन से घन न न न न न न गरज उठी, गरज उठी सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, सनन सनन पवन चले, झनन झनन झांझर बोले, अमृत घोले दिल न डोले, कामिनिया चले होले होले, नयन झुके पग न रुके, बेला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, छुम 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 छमक छमक, रुम झुम झुम झमक झमक, छुम 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 छमक छमक। सनन सनन पवन चले, पवन चले, झनन झनन झांझर बोले अमृत खोले, दिल न डोले कामिनिया चले होले 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 होले, नयन झुके पग न रुके, पिला मिलन की न टले, अचरा ढले दीपक जले, पिया मिलन गोरी चले, चमक चमक शोर गिरे बरसात उठे घन घोर, घटा करे शोर पपीहा, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा, तन में लगन लगी मन में अगन जगी, बंद किए दोना नैना उघारे, प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे, चली है वो सांसों की डोर सहारे, छुम छक छक झुम झक झक, छुम छक छक झुम झक झक, शोर गिरे बरसात उठे घन घोर, घटा करे शोर पपीहा, शोर गिरे बरसात उठे घन घोर, घटा करे शोर पपीहा, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ, कहे घोर के प्राणों का प्राण पपीहा। Thank you.
झकाझक झीम झकाझक नदिया पहाड़ कर पार गोरी नार आई प्रीतम के द्वार अभिसार करने भइयों में बांध अपने प्रीतम की साध लगी प्राणों में अमृत सा प्यार भरने नैनों से नयन अधरों से अधर हृदय से हृदय जुड़े आज जुगल है जोड़ी अमर है प्रीत अमर संगीत अमर है गीत अमर भाभी रात किस वक्त आया था भैया कोई पिछला पहर हो गया होगा उसे पूछा था कहाँ गया था कहाँ गए होंगे वही कहीं गए होंगे तीर्थ करने और नहीं तो वो बहू बहू तुमने दिवाकर को लिखने के लिए कहा था ना कुछ लिख दिया उसने जी लिखा होगा जा जो लिखा है ला दे
जा जा। सुन, वो सो रहा हो तो उसे जगाना नहीं, जवानों को सवेरे सवेरे बहुत नींद आया करती है। ले आई देखू। बुढ़ापे का मक में नजर कम कर दी। अब तो नजर बहुत ही घट गई दद्दा। सो तो है उमा बेटी, पर मालूम होता है अक्षर सुपुत ने ऐसे लिखे हैं कि आज ये लड़का नवाबी में होता तो मन सब पा जाता। वाह। दिन छुपे से पहले ही आ जाओगे ना दद्दा? हाँ। उमा, मेरे लिखे हुए कागजों में से कागज नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ गया। हाँ, वो भाभी ने दे दिया दद्दा को, तेरे लिए कोई नौकरी आई है। दद्दा उसे लेकर प्रधान जी के यहाँ गए तेरी लिखाई दिखाने। लिखाई दिखाने प्रधान जी को? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरे करम, सच तुम्हारे सपूत की लिखाई बहुत सुंदर है। हमारा तो काम ही लिखना पढ़ना ठहरा, मैंने दिवाकर का हाथ पकड़कर लिखना सिखाया है। अच्छा, मुख्तार दीवानी दौलत राय को बुलाओ। जी। दौलत राय, लिखाई इसे कहते हैं, मोती जैसे अक्षर बनाए हैं, लो। पढ़ो। चमकेंगे लाख चंदा ये रात फिर न आए, होंगी हजार बातें ये बात फिर न आए। आ दिल से दिल मिला ले, इस दिल में घर बसा ले, आ जा गले लगा ले, वो रसिया मन बसिया आ दिल। हुजूर, तहजीब और अदब के लिहाज से बेहद गिरा हुआ गाना है ये। गाना? गाना नहीं होगा सरकार। हाँ, बुढ़ापे में निगाह कमजोर होने की वजह से हो सकता है कि मैं कोई भूल से दूसरा कागज उठा लाया हूँ। लेकिन हम तुम्हें बहुत ही पवित्र और कर्मी धर्मी आदमी समझते आए हैं, ऐसी चीज तुम्हारे घर में आई कैसे? नहीं आ सकती। हाँ, क्षमा कीजिए, दिवाकर की लिखाई सुंदर है इसलिए किसी ने उससे ये चीज लिखवा ली होगी। झूठ क्यों बोलो, लड़के को कभी गाने लिखने का शौक था, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि मेरे लड़के के चरित्र में कोई दोष नहीं। मुख्तार दौलत राय, जनार्दन जी के बेटे को कल से हमारे दफ्तर में नौकरी दी जाए। लेकिन सरकार, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिसने ये छिछोरा श्रृंगारिक गाना लिखा है वो चाल चरण का साफ नहीं हो सकता। हम तुम्हारे इस ख्याल की तरफदारी नहीं कर सकते कि जो श्रृंगारी गाना लिखता है उसका चाल चलन भी खराब हो। ऐसे गुनी आदमी को हम सहारा न दें तो कौन देगा? भेज दीजिए अपने बेटे को। तो कल सवेरे भेज देता हूँ दिवाकर को। छिछोरे गाने लिखता है ना तुम्हारा बेटा? नहीं नहीं, तो ये क्या रामायण का दोहा है? बिलाले, दिल बिलाले, आदिल। कितने मीठे बोल हैं, क्या ये आपकी शायरी है? मेरी?
आप किस काम के लिए आई थी? मैं दरबार इकाई का मंजरी। ये मालूम है मुझे, तनख्वाह बढ़ाने के बारे में आपने अर्जी पेश की है ना? जी हाँ। वो अर्जी ठाकुर साहब के पास मंजूरी के लिए गई है, हुक्म होने के बाद आपको खबर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई हर्ज न हो तो मैं ये कागज ले सकती हूँ? जरूर जरूर। देखिए, ज्यादा तनख्वाह चाहिए तो दरबार में अच्छे रागदारी गाने गाइएगा, छिछुरे कवि के ऐसे हल्के गाने ना सुनाइएगा। अरे तू तैयार हो रहा है ना प्रधान जी के दफ्तर में जाने के लिए? जी हाँ दादा। हाँ बहू, खाना जल्दी तैयार कर, दिवाकर को आज दफ्तर जाना है। सिर का दर्द रुका या नहीं? सिर का दर्द किसका? उमा का सिर बहुत दुखता है ना रात में? नहीं तो? फिर भी तू रातें उसी के पास गुजारती है? अपने जी से पूछो क्यों गुजारती हूँ। तुझे नहीं देखना होगा मेरा मुंह। मैं किसी के ध्यान में बाधा क्यों डालूं? ध्यान? कौन किसका ध्यान करता है? मोहिनी मोहिनी कौन भजता है रात भर? जमुना, तू जानना चाहती है मेरी मोहिनी कौन है? मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती। जमुना, जमुना तू मुझे कभी नहीं पहचानेगी। मैं तुझे किस तरह समझाऊं कि मेरी मोहिनी तू ही है? तेरा रूप ही मेरे लिए लाखों गाने रच डालता है। जमुना तू मेरा दिल समझ ले, मेरा साथ दे। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल वरन कोमल कोमल चरण, सबल खा रही सौ सबल खा रही, तेरी तिरछी नजर तीर बरसा रही, तीर बरसा रही। नाजुक नाजुक बदन,
नाजुक नाजुक बदन धीमे धीमे चलन तेरी बाकी लटक में है जादू बड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया किस पारस से सोना ये टकरा गया तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया हो चकरा गया ना इधर जा सका ना इधर जा सका ना उधर जा सका रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा श्यामल श्यामल बरन कोमल कोमल चरण खुशामदीद आइए फरमाइए क्या हुक्म है जी मेरा नाम दिवाकर जनार्दन है पिताजी ने मुझे नौकरी के लिए भेजा है दुरुस्त है जनाब लेकिन दफ्तर दीवाने में तुकबंदी का काम नहीं होता दरबारी नौकरी के लिए हमें किसी नेकचलन आदमी की जरूरत है दरबारी नौकरी का नेकचलनी से क्या वास्ता अरे प्रधान जी आ गए प्रधान जी हम उम्मीद करते हैं कि ठाकुर करण सिंह साहब प्रजा के साथ खैरियत से हैं सूबेदार साहब हम ये जानना चाहते हैं कि हम खैरियत से हैं या नहीं क्या कोई नई बात पेश आई कुछ परदेसी जासूस हमारी गली के आसपास घूमते देखे गए हैं और उसके बाद हमें ये खबर मिली है कि अंग्रेजी फौजें हमारी रियासत की तरफ बढ़ रही हैं हम आपको इन हरकतों से खबरदार करने आए हैं ये बात है हमने जब आपके नवाब साहब के साथ सुलह की थी तो आपको अच्छी तरह याद होगा इस शर्त पर की थी अगर हमारी रियासत को फरंगियों से खतरा पैदा हुआ तो आपकी नवाबी फौज हमारे साथ मिलकर फरंगियों से लड़ेंगी आप इत्मीनान रखें इत्मीनान कैसे रखें आज तक 18 बार हमें अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ा है लेकिन आपकी सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली हमें इस बात का बहुत अफसोस है मैं खुद बहुत रंजीदा हूँ ठाकुर साहब प्रजा से महलों और फौजों का खर्च वसूल करते हुए हमें बहुत शर्म आती है अब या तो आप अंग्रेजों के मुकाबले में अपनी फौजें भेजिए या वो इकरारनामा फाड़ कर फेंक दीजिए जरा इजाजत दीजिए लीजिए नौश फरमाइए मोहतरम ठाकुर साहब मुबारक हो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ खुशखबरी हमारी सरकार का पैगाम यह है कि अंग्रेजों ने ऐसा इकरार किया है कि वो हमारे किसी भी इलाके पर हमला नहीं करेंगे वाह वाह फिर क्या है होली का त्योहार आ रहा है हम आज ही अपनी प्रजा को जी खोल कर रंग खेलने की छूट देते हैं हम आपको भी दावत देते हैं कि आप हमारी और हमारी प्रजा की खुशी में शामिल हो नगर की बहुत शोभा बढ़ेगी अगर कोई खास दिक्कत पेश न आई तो हम जरूर आएंगे अच्छा अब हम चलते हैं मोहतरम ठाकुर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं अरे रंगबाज घर में है क्या हाँ हाँ है तुम अरे आइए आइए
अरे कविराज, क्यों आज कचहरी नहीं गए क्या? गया था ना भाई, नहीं जाने से कैसे निभेगा। अरे मुख्तार दौलत राय ने ये कागजात किसी को पहुंचाने के लिए दिए हैं, सो वहां जा रहा था। रास्ते में तुम्हारा घर था, सोचा देखते चले हमारे रंगबाज क्या कर रहे हैं। अच्छा किया आ गए, कहाँ जा रहे हो? अरे आओ यार बैठो। तुम्हारे आने से हमें कितनी खुशी होती है। बैठो बैठो। अरे क्या देख रही है? पान बना। कविराज आ गए। तुम में से लेलो रंगबाज कौन है? ये पूछने वाला अभी मौजूद है ठकुरायत में? कहो क्या काम है? ये दरबारे हुक्म है तुम्हारे नाम का। दरबारे हुक्म? आइए दूध पीजिए। नहीं नहीं, दरबारे हुक्म। हाँ। अरे अरे बुरा हो तेरा, बड़ी लटपटी लिखावट होती है दरबार की, कुछ समझ में नहीं आता, हर्फ ही नहीं उखड़ता। अरे ये हिंदी में लिखा है या फारसी में? कवि राजा जरा आप ही इसका भेद खोल दीजिए। लीलू रंगबाज को मालूम हो हाँ मैं कि होली के त्योहार पर श्री हुजूर ठाकुर करण सिंह जी बहादुर अपने मित्रों मेहमानों सहित दरबार में रंग खेलकर अपनी प्रजा का मान बढ़ावेंगे। लीलू रंगबाज अपनी मंडली में साजो सामान लेकर दरबार में हाजिर हो और इस अवसर की शोभा बढ़े ऐसा कोई रंगीला गीत सुना। दस्तखत दौलत राय मुख्तार, दफ्तर दीवानी ठकुराए। अरे ये तो मैं भी पढ़ सकता था। ये दरबारी बुलावा तो आ गया तुम्हारे दम कदम से लीलू के घर में, पर लीलू वहां कौन सा सुर आला पेगा? नौरंग जी अगर यार हो तो निभा लो इस मौके को, कोई रंगीला सा गाना रच लाओ, दरबार से बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। किसरा हिस्सा तुम्हारा? तुम क्या यह चाहते हो कि मैं अपनी कविता पैसों के लिए बेचूं? कविता तब बेची जा सकती है जब माताएं अपनी औलाद को भरे बाजार में बेचने लगे। मैं अपनी कविता हरगिज नहीं बेचूंगा। कविराज पैसों के बिना घर की गाड़ी कैसे चलेगी? सुनिए, शायरों के बादशाह यानी मैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप बैठिए, सुनाते हैं आपको। बच्चों शुरू हो जाओ। अरे कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो। कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। अच्छा? इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कभी राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। वाह जवाब दे वाह। नोन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे जवाब दे वाह। अरे कम भाड़े की, कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली। अच्छा? शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है। अच्छा? मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। अच्छा भाई रच दूंगा, होली का गाना रच दूंगा। और ठाकुर साहब जो पैसे दें वो तुम रखना। ओ। और देखो दरबार में मेरा नाम न खुले वरना मेरी नौकरी पर कुठार पड़ जाएगा। नौकरी पिताजी ने बड़ी मुश्किल से दिलवाई है, हम बाप बेटों की जड़ी उखड़ जाएगी। अजी ऐसा भी क्या, मैं नहीं जानता महाराज, वो राजा है, क्या खबर फांसी बोल दे, क्या खबर देश निकाला दे दे,
अरे वहां तो इशारों पर काम चलता है, इशारों पर। अरे जब आप इतना कहते हैं तो हम आपका भेद नहीं खोलेंगे, आप बेफिक्र रहिए महाराज, बेफिक्र। अरे रंगबास, ये तो मैं भूल ही गया, ये कागजात तो यूं ही रह गए, बड़ी देर हो गई भाई। अरे नौनंद जी, अरे भूलिएगा नहीं, होली का गाना बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी। अच्छा अच्छा। अरे मैं भी जा रहा था। आइए। वो कागजात पहुंचाया आपने? वो साहब मिले नहीं। मिलते कहां, वो तो यहां सर पटकने आए थे। ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे पोथी पर से पता लगा कि वो इलाहाबाद चले गए। आप अभी इलाहाबाद चले जाइए, आपकी सूरत मुझे कम से कम 8 दिन तक नहीं दिखाई दे। ये कागजात खुद ले जाकर उन्हें दीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन अर्ज ये है कि होली का त्योहार बहुत पास आ गया है, इसलिए। जनाब को क्या रंग खेलने की दावत दी है ठाकुर साहब करम फरमा ने? कल सुबह 11 हो जाइए। जी। मैं जरा इलाहाबाद जा रहा हूं, सुना या नहीं? बोलो भाई, भगवान के लिए बोलो, मुंह सी रखा है क्या? जा रहा हूं। भैया भैया ये ले जा, भाभी ने रास्ते के लिए कुछ दिया है, भूख लगेगी तुझे ना। लेकिन वो कहाँ है? अच्छा जाता हूं। संभल के जाना बेटा। दुनिया में आदमी किसी का मुंह देखकर जीता है, जिसे दिल से भी ज्यादा प्यार करते हैं उस पत्नी ने गांव छोड़ते हुए इशारे से भी यह न कहा कि मैं तुम्हारे लिए बेचैन रहूं, जल्दी आना। उसने नहीं कहा तो तुम्हारी कल्पना से बनाई हुई वो मोहिनी, तुम्हारी प्रेरणा वो तो है ना? हाँ, मोहिनी। जा रहे हो, इतनी नाराजगी किस लिए? Thank you.
पिया रूठो चाहे रूठो हजारों बार, मनाऊं दिलदार क्यों नजरें मोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले, तुम सैया गुलाब के फूल, कोई क्या हमसे भूल जो हमको छोड़ चले, क्यों नाता तोड़ चले, होए सैया दिवाकर जी हैं? कौन लोग हो तुम? लीलू रंगबाज कहते हैं मुझे। ये चेले चाटे आप ही के गुलाम है, अच्छे हुनरबाज है, आपकी दया से कमा खा लेंगे एक दिन। दिवाकर जी हैं? दिवाकर नहीं, यहाँ इलाहाबाद गया है सरकारी काम से। भला आवेंगे कब तलक? भाई कब आवेंगे कह नहीं सकता। ओह, अब पड़ गए लीलू की नैया भवर में। परसों मुजरा देना है पर अपने इस यार का पता नहीं। सुनी सुनी मेरी बात। निकल मेरी मुंडी, निकल तेरी मुंडी भी, निकल यहां से। कौन था दद्दा? अरे वही, क्या नाम लीलू की जाने पीलू,
वो तमाशगीर दिवाकर को पूछ रहा था। तू बहू से पूछ, वो फिर तो नहीं बैठने लगा इन लुच्चों की संगत में। ये रो रही है बहू, रोएगी क्यों नहीं, वो जरूर इन आवारा गर्दों के फंदे में फंस गया है। तुझे याद है कानपुर ने कितना पीटा था उसे इसी बात पर, अब फिर वही बात हुई है। सामने आने दे, पहले यही पूछूंगा उसे। सब लोग आराम से बैठे हैं। अरे आराम से क्या बैठे हो कमबख्तो, अरे गाना तैयार करो, अरे इनको पान खिलाओ किमान डाल के, लखनऊ का किमान डाल के, जल्दी करो। हो गया शुरू करो। अली का हृदय दिना दिन से काम नहीं चलेगा। अरे वहां ठाकुर साहब तलवार खींचे बैठे हैं, अरे उनका स्वभाव तो तुम जानते हो। भगवान, आज बुरा फंसाया उस नौरंग बेपी में। भैया ये क्या लिखने लगा आते ही? एक गाना लिख रहा हूँ। गाना? भगवान ने तुझे सोने जैसी पत्नी दी है, उसे देखकर तो ये चाल छोड़ दे। उसे क्या देखूं? पत्थर का सा मुंह, खुला है तो खुला ही है, बंद है तो बंद ही है, फिर चाहे उस पर फूल चढ़ाओ चाहे बताशे, कुछ तेवर ही नहीं बदलते। अब तक मैं भी इस बेचारी को ही दोष देती थी, पर अब मुझे तेरे सारे लक्षण मालूम हो गए हैं। उमा तुम तो उस पगले की बातों में आ जाती। अरे पगला होगा तू, मैंने अपनी आंखों से पढ़े हैं ये सारे वेद जो तूने लिखे हैं। अगर तेरे ये चरित्र ठाकुर जी के कानों तक पहुंच गए तो तुझे और मुझे दोनों को देश के काला दे देंगे। शर्मिली हाथ छोड़कर घर में अच्छी भली पत्नी के होते हुए बाजारों में भटकता फिरता है तू। बोल, किस पिशाची का नक्शिक बखान कर रखा है इन मंत्र के कागजों में? बता कौन है ये कमबख्त मोहिनी? बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है, इसीलिए कहता हूं कि सोते जागते आपकी बहू के सिवा किसी भी दूसरी स्त्री का रूप मेरे सामने नहीं आया। मुझे अभी लिखने दीजिए, कल मुझे देना है ये गाना। नहीं, ये काम मैं इससे न करूं। अच्छा भैया, नमस्ते। नमस्ते। दिवाकर जी, अरे दिवाकर जी, वाह, हम तो आप ही के घर जा रहे थे। होली का गाना तैयार हुआ? नहीं नहीं, कैसे होगा, घर में शांति नहीं, चैन नहीं, झगड़ा ही झगड़ा, ऐसी परेशानी में गाना कैसे लिखा जाएगा? अरे अरे, ये क्या कहते हो, गाना तो आज ही मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। लीलू उस्ताद कौड़ी के तीन तीन बिकेंगे, तुम बचाओ तो जान और इज्जत दोनों बचेंगी। आइए आइए, यहाँ बैठकर सोचिए, कितनी अच्छी जगह है गणेश भगवान के चरणों में। इधर? हाँ अभी। हाँ अभी। हे गणेश भगवान, अब लीलू तोते की जान इस जादूगर के हाथ में है। भगवान भगवान, होली होली आ गया आ गया। अरे वो होली के क्या क्या काफी है, होली होली झोली झोली। नहीं नहीं, आज मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा? ओ हे ठाकुर जी, ए तलवार जी, तलवार, ओ हे गणेश महाराज, हे गणेश महाराज, आ रहा है। अरे मेरा दिल कहता है कि तुम ऐसा गाना रचोगे कि जिसे सुनकर लोग तो क्या, स्वयं गणेश जी भी होली खेलने आएंगे। अरे देखते क्या हो, शुरू करो। अटक अटक
झटपट पन घट पर चटक मटक इक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलवेली कंकरी गले में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बाह और की अटकेली भरी पिचकारी मारी भोली पनी हरी बोली लगे है तेरी गाली रे Thank you.
जा रे हटे मत हटना दूर मेरा घूंघट तो लटके दूंगी आज तुझे गाली मुझे समझो ना तुम भोली भाली बापा लीलू उस्ताद बापा हम जाहिर करना चाहते हैं कि हम तुम्हारे हुनर की इज्जत करते हैं प्रधान जी इन्हें दरबारी स्वरूपा भेंट किया जाए जी आओ हमारे पास आओ नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकता क्यों जो आबरू आज मुझे मिल रही है उस पर मेरा हक नहीं है क्यों श्री हुजूर को तुमने गाना सुनाया है और सरकार उससे बहुत खुश हुए हैं पर माँ बाप जिस गाने से मुझे मान मिला है उसको रचने वाला कोई और है उसका नाम कवि नवरंग नवरंग कौन नवरंग वो यही मौजूद है अरे दिवाकर जी अरे कहाँ छुप छुप के जा रहे हो ठाकुर जी बुला रहे हैं सामने आओ आओ अन्नदाता यही वो कवि नवरंग है जिन्होंने होली के गाने में रंग भरा वाह 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 आज हमें एक नया कलाकार मिला हम बहुत खुश हुए हम तुम्हारी कला को अपने दरबार की शोभा समझते हैं आज से हम तुम्हें राजकवि का खिताब देते हैं जनार्दन जी लाओ ये स्वरूपा ये क्या ये दरबारी तोहीन है किसी हुजूर के मौजूदगी में किसी गैर की ताजीम की जाए अन्नदाता ये मेरे पिता हैं अच्छा तो जनार्दन जी ये तुम्हारे सुपुत्र हैं धन्य है इनके माता पिता जनार्दन जी तुम्हारे सुपुत्र ने हमारी नजर में तुम्हारी और दुनिया की नजर में हमारी ठकुराइत की इज्जत बढ़ाई है आओ आओ राजकवि ने उसके पीठ पर हाथ फिरा और सर पर तुरंश लगाया खचाखच भरा हुआ था दरबार रईसों और सरदारों से ठाकुर जी सबके सामने ताहड़ के बोले धन्य है इनके माता पिता प्यास बुझ गई आंखों की मेरी बस बेटी अब मैं मर भी जाऊं तो परवाह नहीं मुझे हीरे की परख तू जो मेरी बच्चा ही जानता है बेटी हम तो उसको कहते थे कि ऐसे गाने मत रचा कर लेकिन आज उन्हीं गानों ने परवान चढ़ा दिया है दिवाकर को कहा है भैया वो आएगा अभी आएगा अभी आएगा परे दरबार में ठाकुर जी के पहले मेरे चरणों पर दिया वो आएगा अरे तुम अभी तक खड़ी क्यों हो इन बूढ़ी टांगों में हिरन की सी दौड़ आ गई दरबार से निकला यहाँ कब पहुंचा समझ में भी नहीं आया मुझे जाओ जाओ आरती की तैयारी करो आज जनार्दन के घर का दरिद्र दूर हो गया जाओ आरती की तैयारी करो उसे चला के लिए बैठे आया होली का त्योहार उड़े रंग की बौछार तू है नार नखरेदार मत वाली रे
आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। अरे जा रे हट नटखट ना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भूले भाली रे। आप आ गए। आपके आदमी ने कहा कि श्रीमान ठाकुर साहब ने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया है। माफ कीजिएगा, मैंने ही उनको ऐसा कहने के लिए कहा था, नहीं तो आप शायद मेरे घर नहीं आते। देवी जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे बड़े लोगों के महलों में जाने का कभी काम नहीं पड़ा। तो मैं कहाँ बड़ी हूँ, मैं भी आपकी तरह कला प्रेमी हूँ। मैंने दरबार में आपके गीत के बोल सुने और होश खो बैठी। तशरीफ रखिए। लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम मंजरी है। मंजरी जी, मैं दरबारी गायिका। देश लुट जाने की वजह से आजकल ठाकुर साहब की पना में दिन गुजार रही हूँ। आप बहुत थके हुए दिखाई देते। लीजिए ये मिठाई, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत दूर देश से आई हुई अंगूरी शराब है, आप पीकर खुश हो जाएंगे। लीजिए, दिल की छुपी उमंगों को मत बंद रखो कभी तालों में। लो होठों की प्यास बुझा लो, नशा छलकता प्यालों में। नशा है अंगूरी आंखों में, नशा गुलाबी गालों में। अरे हसीना, नशा कहाँ है इन मिट्टी के प्यालों में। वाह वाह, क्या खूब कहा। मुझ पर आपके हुनर का जादू सवार है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। ये लीजिए, इसमें कुछ रुपए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये आपके काम आएंगे, अभी अभी आपको कुछ काम मिला है। और मैंने सुना है क्या आपके पिताजी भी दरबार में एक मामूली सी नौकरी कर रहे हैं। आप जा रहे हैं? माफ कीजिए, पिताजी का नाम लेने से अचानक मुझे घर की याद आ गई, मुझे घर जल्दी जाना चाहिए, मैं जाता हूँ। आप बच्चों की तरह घर घर की क्या रट लगाते हैं। आप जैसे कलाकारों को घर के बाहर भी देखनी चाहिए। आपके एक एक बोल पर हजारों जुल्फों के बादल डोलने लगेंगे। इस चिकनी जुल्फ के फंदों से सादी चोटियां अच्छी, अजी बाहर के हलवों से घर की रोटियां अच्छी। आ गया तो भैया, ठाकुर ने तेरी इतनी बड़ाई की, दद्दा ने हमें कह दिया सब कुछ। रात भर तेरी राह में जागते रहे, अभी दद्दा तुझे ढूंढने बाहर गए, कहाँ रहा अब तक? वो सब बाद में बताऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रात को गायिका मंजरी ने मुझे धोखे से बुलाया, तरह तरह के पकवान मेरे सामने रखे, लेकिन तुम्हारी कसम उमा, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। मैं ये नहीं भूला कि मैं एक घर गृहस्थ और खानदानी हूँ। राज कृपा से मुझे तुम घरवालों की कृपा अधिक लगती है। उमा, उमा।
माँ मेरी माँ नहीं, तुम भी मेरे साथ कठोर बर्ताव करोगे। क्यों, क्या हुआ? अरे वहां कहां जा रहा है? बहू को दर्द लगे हैं। सच? उमा मुझे अंदर जाने दे। ए, कैसा मूर्ख पैदा हो गया मुझ जनार्दन के घर में। यहीं बैठ, मैं अभी सरकारी दाई को ले आता हूं। अंग्रेज दोस्तों और रियासत की प्यारी प्रजा, अब वो पुराना और भयावना जमाना बदल गया। आज हमारे और हमारी प्रजा के लिए एक नए जमाने का दौर शुरू हो गया है। आज बहादुर अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। हमने अपनी प्रजा के धन और जान की रक्षा इनके ताकतवर हाथों में सौंप दी है। साहब बहादुर ने हमारे पिता की इस छोटी सी रियासत में कई और रियासतें मिलाकर हमें उनका एक छत्र राजा मंजूर किया है। श्री हुजूर पुरनूर श्रीमान राजा शरण सिंह बहादुर। अंग्रेज साहबान को हमारा दोस्त बनाने के लिए मुख्तार दौलत राय ने बहुत कोशिश की है। उनकी बुद्धिमानी और राजभक्ति से खुश होकर अंग्रेज साहबान की राय से हमने इन्हें रियासत का दीवान बना दिया है। दीवान दौलत राय को मुबारक हो। दरबार के आश्रित राजकवि दिवाकर जी नवरंग। श्री हुजूर पुरनूर राजा साहब को मुबारकबादी का गीत सुनाइए। मुझे कोई मुबारकबादी का गीत याद नहीं है। क्यों, क्या तुम्हें ताजपुशे की इतला नहीं मिली? मिली, लेकिन उससे मुझे मुबारकबादी का गीत रचने का जोश नहीं पैदा हुआ। अच्छा, कुछ सोचो और बाद में सुनाओ। इस निहायत खुशी के मौके पर मैं साहब बहादुर की खिदमत में एक अर्ज पेश करना चाहता हूं कि वे भी कुछ तकरीर फरमाएं। योर एक्सलेंसी स्पीच प्लीज। महाराज शरण सिंह, दीवान दौलत राय और सरदार, हम लोग इस मुल्क पर कब्जा करने के लिए ना आए। हम ये जाहिर करने चाहते हैं कि हम आप पर अपने मन की माफिक हुकूमत करने के लिए, जुल्म करने के लिए हुक्मशाह यानी डिक्टेटर बनकर यहाँ नहीं आए हैं। डिक्टेटर? बल्कि हम आपका दोस्त बनकर यहाँ आए हैं। हम और आप आज से एक मुल्क की संतान हुई है। आप और हम इस मुल्क की तराकी करने के लिए हाथ मिलाएंगे। हाँ हाँ, हम हाथ मिलाएंगे, हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम पश्चिम हो, हम पूरब हैं, दोनों का मेलन मिलता है। उगता है जो सूरज पूरब में, अरे उगता है जो सूरज पूरब में, वो पश्चिम में जा ढलता है। वो पश्चिम में जा ढलता है, वो पश्चिम में जा ढलता है।
What is he saying? कहता है कि पूरे पश्चिम के मिलन से इतिहास के पन्ने सुनहरे हो जाएंगे. Is that so? Then let him continue. पूरब की पवन मंगलकारी मंगल संदेश सुनाती है. पश्चिम की हवा में है जहर भरा जो घर घर आग लगाती है. धरती धरती में है फर्क बड़ा माटी माटी में है अंतर. इस माटी में जन्मे साधु इस माटी में जन्मे साधु उस धूल में जन्मे डिक्टेटर तुम बांध रहे इस दुनिया को तुम बांध रहे इस दुनिया को कानूनों की जंजीरों से. हम जोड़ रहे दिल से दिल को बस प्यार की चंद लकीरों से. दुनिया की हुकूमत चाहो तुम तोपों से बमों से गोली से. हमने तो दिलों पे है राज किया हमने तो दिलों पे है राज किया. अपनी गीता की बोली से अपनी गीता की बोली से अपनी गीता की बोली से तुम ढूंढ रहे हो तुम ढूंढ रहे हो नारी के नैनों में यौवन का नर्तन. तुम ढूंढ रहे हो नारी के नैनों में यौवन का नर्तन. हम ढूंढ रहे हैं नारी के हृदय में ममता का बचपन. हम ढूंढ रहे हैं नारी के हृदय में ममता का बचपन. तुम झूम रहे मदिरा पी के रस लेते हो मांस की बोटी में. हम पेट भरे दो रोटी में हम पेट भरे दो रोटी में और खुश हैं एक लंगोटी में और खुश हैं एक लंगोटी में और खुश हैं एक लंगोटी में. पश्चिम हो हम पूरब हैं दोनों का मेल न मिलता है दोनों का मेल न मिलता है. तुम में हम में एक फर्क बड़ा जो लाख मिलाने से मिल सके. पूरब का हिमालय पश्चिम की आंधी के थपेड़ों से हिल सके आंधी के थपेड़ों से हिल सके. पश्चिम में सूरज कभी उग न सके पूरब में सूरज कभी ढल न सके. तुम जी न सको हम मर न सके विधि का ये विधान बदल सके. हो तुम भक्षक हो अरे तुम भक्षक हो हम रक्षक है. ये संग कभी ना फलता है ये संग कभी ना फलता है ये संग कभी ना फलता है ये संग कभी ना फलता है. पश्चिम हो हम पूरब हैं दोनों का मेल न मिलता है दोनों का मेल न मिलता है. Thank you.
इसमें तो चुटकी भर भी चावल नहीं है, पड़े रहेंगे सबके सब पेट में घुटने दिए। अब तो कहीं जा भी नहीं सकते, दादाजी की कमर नौकरी कर करके टूट गई। खबर नहीं ये कैसा चौपट राजा है जो तनख्वाह ही नहीं देता। भैया की नौकरी भी चली गई, न जाने क्या झगड़ा कर बैठा है दीवान से। कहाँ जा रहे हैं? एक काशी फल पका है पिछवाड़े, उसे बनाकर आज से कल तो हो जाएंगे। क्यों हाथ पुकार मचा रखी है ने? जाने की जाफिरंगा, नहीं पड़ा की काम किया। दूर है, लिखवा के लाया है घर में चलेगी रोटी। जाने की जाफिरंगा, तो निकल, 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 निकल यहाँ से। अरे, अरे, क्या बात? हाँ, इधर आओ, आओ, आओ बेटे, क्या हुआ? किसने मारा? क्या बात? मारती है? अच्छा, चलो पूछे क्यों मारती है? क्यों जी? क्यों मारती हो इसे? मारू नहीं तो और क्या करूं? घर में चारों खुट दलिद्र छाया पड़ा है, दो वक्त की रोटियों के लाले पड़े हैं, और इस लाडले को जरी की टोपी चाहिए। वो तो समझा देने की बात थी। समझाऊंगी तो बुरी लगूंगी। इस तमाशबाज के पुत्र को किस लिए चाहिए जरी की टोपी? खबरदार जो मुझे तमाशबाज कहा तो। तो क्या प्रधान जी महाशय कहो तुम्हें? न जाने काहे के लिए दी थी मुझे भगवान ने ऐसी बुरी जिंदगी। घर में ठौर नहीं, बाहर ठिकाना नहीं। किसी लखटके की बेटी नहीं हो तुम जो बड़बड़ के बोल रही हो। चाहे मैं कंगाल से भी कंगाल की बेटी हूँ, पर मेरे वालों ने आबरू उतार कर नहीं फेंकी, अपना धर्म नहीं छोड़ा है। और हमने ये सब कुछ छोड़ दिया है? तुम तो नचनियों की ड्योढ़ियों पर फूल चढ़ाते फिरते हो, गली गली में लीलुओं पीलुओं के पीछे पीछे फिर रहे हो, टुनटुना उठाए। सब बात समझ चुका हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। क्या समझा चुके और क्या समझाओगे? यहाँ 12 बरस से पापड़ बेल रही, आज तक मन मसोसे रहे, अब नहीं देखी जाती तुम्हारी मोहिनी माया। छिछोरे लोगों के संगत छोड़ दो, गाना बजाना छोड़कर अपना अच्छा खासा घरवा संभालो, नहीं तो। नहीं तो क्या करोगी तुम? चले जाऊंगी मायके। तो चली जाओ मायके, जाओ मैं कहता हूँ, अभी चली जाओ। हाँ हाँ, जाने की बात तो देख ही रहे हो तुम, घर के दरवाजे पर ताला पड़ गया तो वेश्याओं की खिड़कियां खुल जाएंगी। क्यों रे भाभी, क्या बात हुई? कुछ भी नहीं, भागों के मारे आज बोल उठी हो। करना था मुझे ये कि कहीं कुएं खाई में डूब कर मर जाती, अकेली होती तो वो भी कर डालती, लेकिन पल्ले में ये मरा पूत जो पड़ गया है। भाभी, भरे पूरे घर में ऐसी बात ना बोल। हाँ, दुख से भरा पूरा है मेरा घर, अब माँ बाप के ही चौखट पर जाऊंगी, जब तक जान में जान है इनका सुहाग सजाए बैठी रहूंगी। मर जाऊंगी पर इस घर में पाँव न रखूंगी, पेट के लिए रोटी नहीं, तन के लिए कपड़ा नहीं, गहने में मांगती नहीं हूँ, जिनकी सुहागिन हूँ वो ऐसे हैं। हारा बसा ले ओ रसिया, मन बसी
उमा कहां है वो? कह दो उसे उठा ले ये कौड़ियां। तब दरिद्र छाया हुआ था, अब तकदीर जाग उठी है। अब ले आए लड़के के लिए जरी की टोपी, और वो भी जरी के जोड़े में सचकर बैठ जाए। जब टके नहीं थे तब उसे अपना मर्द पराया और बच्चलन दिखाई देता था। देखे अब बोलती है कि नहीं रस भरे बोल। उमा भैया, भाभी तो मुन्ने को लेकर मायके चली गई। मायके चली गई? नहीं नहीं, वो नहीं जा सकती। जमुना, 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 जमुना। जमुना नहीं, मैं हूं मोहिनी। मोहिनी, 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 जमुना मुझे छोड़ के चली गई, तू तो मेरे पास आ। ये क्या कर रही है? चांद की नवरस भरी चांदनी मैं इन गगरियों में भर रही हूं। नवरस भरी चांदनी? हाँ, नवरस भरी चांदनी। इस नवरस से मैं कवियों को नहलाती हूं। मैं भी एक कवि हूं, इनमें से एक गगरी मेरे सर पर। मेरे सर में आग लगी है मोहिनी, मुझे नहला इस चांदनी की बरसात में। तूने तो अब पैसे कमाने की विद्या हासिल की है। चांदी के टुकड़ों के पीछे पड़ने वाले कवि का चांदनी से क्या वास्ता? ठहर मोहिनी। चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न। आधा है चंद्रमा, रात आधी, आधा है चंद्रमा, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रहने दो मन की अभिलाषा।
होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा भवन प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। ससुराल चला जा और लाकर मुझे पोते का मुंह दिखा, मैं तो कोई दम का पावना हूं बेटा, जा नजर भर के देख तो लूं अपने पोते को, इसके लिए इतनी माला फेरी थी, जा इसी तरफ चला जा। जी अच्छा उमा, मैं जाता हूँ, तुम दादा की देखभाल करके रहना, ले आता हूँ मुन्ने को। दादा पानी चाहिए। नवरंग का, नवरंग का, मैं बाबा हूँ,
नहीं बेटा, यहीं बैठते हैं। माँ के पास चलो ना। वो तो हमें देख के अंदर चली गई। जीते रहो। कैसे लीलू के मंडली के साथ आना हुआ? कहाँ टिकाए डफली तुम? तूने जी अकेला ही आया हूँ। अचानक दद्दा जी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए इन लोगों को लेने आया। लड़की नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अकेले लड़के को ही ले जाऊंगा। हम नहीं भेजेंगे। क्यों? एक लड़की और इस डंठल से लड़के का पेट भरने के लिए अनाज मौजूद है इस द्वारकानाथ के घर में। जमुना, जमाई राज आए हैं। आदर सत्कार में कचरा ही न हो। चल चल, भोजन की तैयारी करें। भोजन में वही बाहर करा दो। हमारे बर्तनों में वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम ठहरे आचार विचार में कच्चे और वो हो गए हैं खूब पक्के। तो तुम ऐसा करो, थाल में नहीं पत्ते में परोसो उनके लिए। बहुत दूर से आए हैं बेचारे, हमें कृतार्थ करने। ऐसे ही घर वापस जाऊंगा। मैं भी आता तुम्हारे साथ, पर नाना जी मानेंगे। हमारे दद्दा जी कितने अच्छे हैं। बाबा, तुम रोते हो बाबा। बाबा, तूने मुझ कम नसीब के कोख से जन्म क्यों लिया? कौन? नवरंग जी? मैं आपको किस हालत में देख रही हूँ? जिस हालत में वक्त ने डाल दिया है। सुना है इन दिनों आप घर पर भी नहीं रहते।
ठाकुर साहब की सालगिरह नजदीक आई है, उस दिन आपको दरबार में कोई नया गीत सुनाना चाहिए। मंजरी देवी, मुझे अब कुछ सोचता नहीं, मेरी जिंदगी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई है, उसे इकट्ठा करने में लगा हुआ हूं। मतलब? सर से बाप की छाया उतर गई तो धूप में पड़ा तप रहा, घर तीन तेरे हो गया तो जंगलों में भटक रहा हूं। जिस घरवाली का मुंह देखकर गीत रचता था वो मुझे छोड़कर मायके जा बैठी। मायके जा बैठी है? हमें राजमहल में जल्दी ले चलो। राजमहल में? हाँ, मैं ठाकुराइन से अर्ज करूंगी कि कवि नवरंग जी की घरवाली को सालगिरह के मौके पर जरूर बुलाया जाए। चलो। कहाँ से आना हुआ? कौन हो? ठकुराइत का संदेश हूँ, एक सरकारी संदेश लाया हूँ। सरकारी संदेश? किसके नाम? श्रीमती जमुना प्यारी, पत्नी दिवाकर जी नवरंग। लाओ। हम जवाब के लिए सरकारी पड़ाव में ठहरेंगे। अरे जमुना, क्या है बाबा? देख तो, ये ठकुराइन का पत्र है तेरे नाम। मेरे नाम? हाँ हाँ। क्या लिखा है इसमें? अरे, तुझे सालगिरह के मौके पर दरबार में शामिल होने के लिए बुलाया है ठकुराइन ने। क्या सोचने लगी बेटी? कुछ नहीं, मेरा नसीब, मेरा खोटा नसीब। वो आए तो मुझसे बात भी नहीं की, जैसे कि मैं उनके कोई लगती ही नहीं। और अब ठकुराइन का बुलावा आया तो मैं वहां जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन ठकुराइन का हुक्म टालना ठीक नहीं। क्या करेंगे वो, फांसी चढ़ा देंगे? चढ़ाने दो, मुझे अब जीना ही नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। कवि दिवाकर नवरंग सामने हाजिर हो। खामोश, हुजूर की सालगिरह के अवसर पर कवि नवरंग अपना नया गीत सुनाएंगे। आज के सालगिरह के दिन तुम्हें अपना कोई नया गीत सुनाने का हुजूर हुक्म मिल चुका है, खामोश क्यों खड़े हो? याद रहे कि दरियादिल सरकार ने तुम्हारे साथ रहम का बर्ताव किया है। महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। यह हम नहीं मान सकते, तुम्हें गाना सुनाना ही पड़ेगा। भूल गए तुम वो दिन जब तुम मेरी दया के दास बने थे? कहा था कभी भी याद फरमाइए, सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। क्या यही हमारी सेवा है? यह हुजूर का खुला खुला अपमान है, इस अपमान की तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। अन्नदाता,
मैं आपका हुक्म टालना नहीं चाहता। विश्वास कीजिए, मैं सचमुच चाहता हूं कि मैं अपनी जबान से आपको कुछ सुनाऊं और आपको खुश करूं। लेकिन ये कैसे होगा? जिसे देखकर मेरे भाव जागते थे, मेरी कविता खिल उठती थी, जब वो ही नहीं, मेरी सरस्वती, मेरी मोहिनी, मुझे कुछ नहीं सोचता, मुझे कुछ नहीं सोचता। इसे कैद करो। ले जाओ इसे, अंधेरी कोठरी में डाल दो। सच है, मुझे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी गर्दन उड़ा दो, मुझे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डालो। मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरा दुनिया में रहना बेकार। मार डालो मुझे, मार डालो। लेकिन ये कैसी मौत होगी? लोग कहेंगे एहसान फरामोश नवरंग, नमक हराम नवरंग। नहीं नहीं मोहिनी, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तू गई उड़ गया रंग जाने कहाँ। तेरे बिन फीका फीका है दिल का जहाँ। छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। मेरे
ये कौन घुंघर झमका, ये कौन चांद चमका, ये धरती पे आसमान आ गया पूनम का, ये कौन फूल महका, ये कौन पंच चहका, महफिल में कैसी खुशबू उड़ी, दिल जो मेरा बहका, लो तन में जान आई, होठों पे तान आई, मेरी चकोरी चांदनी में करके स्नान आई, बिछड़ा वो मीत आया, जीवन का गीत आया, दो आत्माओं के मिलन का दिन पुनीत आया, सूरत है मेरे सपनों की तू सोहिनी, जमुना तू ही है, तू ही मेरी मोहिनी, तेरे बिन फीका है दिल का जहां, छुपी है कहां मैं तड़पता यहां, तू छुपी है कहां, छुपी है कहां, छुपी है कहां। वाह वाह नौरंग जी, वाह वाह, जियो सौ बरस जियो। भाग्यवती हो तुम जो अपने पति के ध्यान में मन में सपनों में सदा समाई रहती हो। हाँ मैं भाग्यवती हूँ, सचमुच मैं भाग्यवती हूँ रानी माँ। मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था, मैंने अपने भाग्य को पहचाना नहीं था। तेरा प्यार सलोनी सुना इसको करो।